क्वेश्चन दिया हुआ है हमें प्रूफ करना है अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें जो आंसर चाहिए वो टेन और कॉट में चाहिए, तो सीकेंट का फॉर्मूला टेन में होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का कॉट में फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, और वन को हम टू लिख सकते हैं ऐड करके। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हमारे पास यहां सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये प्लस टू ए बी इक्वल टू से उधर अगर हम भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ले लेते हैं, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए है हमारा यहां पर टेन थीटा और बी है कॉट थीटा, और साथ में बचता है प्लस में टू। नाउ कॉट थीटा का भी फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं वन बाय टेन थीटा, और टेन थीटा से टेन थीटा कट सकता है यहां पर, ये माइनस टू और प्लस में टू ये दोनों भी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर है अंडर रूट, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के टेन थीटा प्लस कॉट थीटा।